उसके अनुपात में मिलता है। उसमें मांग में जोड़ा गया है कि जो हमारा मानदेय मिल रहा है उसको महंगाई से जोड़ा जाए, इसका मतलब समझते हैं आप लोग नेतृत्व है, इसलिए जानकारी है, इसलिए हम बताना चाहता हूँ। इसको बहुत लोग बोले एक आम मामला रख दी से फिर आपको मैं बोलता हूँ अनुकंपा नियुक्ति की मांग क्यों नहीं होना चाहिए। आपका बच्चा या आपका परिवार को बीमार होता है तो मेडिकल भत्ता जैसे शासकीय कर्मचारी को 5 लाख खर्चा होता है तो 5 लाख मिलता है, क्यों नहीं मिलना चाहिए। लेकिन हम परेशान यहाँ रहते हैं यदि उस मांग को जोड़ दिए तो 3 ठो फोन आ जाते हैं। एक तो शासकीय कर्मचारी होना चाहिए सर, ये कागज 6 10 सूत्री मांग रखे हो, आप 10 सूत्री मांग रखोगे 5 तो पूरा होगा, 5 के लिए फिर लड़ाई करोगे। आपको 5 लाख रुपया यदि आपके घर में कोई बीमार है तो उसको इलाज कराने के बाद जब मिलेगा तो क्या आपको फायदा नहीं होगा, होना चाहिए। आप क्या कोई किसी के आकस्मिक वृत्ति होगी या अनुकंपा में नियुक्ति मिलेगी तो आप मांग रखेंगे तभी सरकार तो बात करेगी ना, अन्यथा नहीं करेगी। तो ये सारे बातें हैं, तो मेरे कहने का मतलब ये है कि संगठन को मजबूत बनाए रखें और लड़ाई बहुत अभी शुरू हुई है और छत्तीसगढ़ में इतनी बड़ी लड़ाई और सुरक्षित लड़ाई, इतनी बड़ी लंबी लड़ाई और सुरक्षित लड़ाई, इस लड़ाई में मैंने किसी भी हमारे कार्यकर्ता या पदाधिकारी से एक शब्द नहीं सुना इस बार कि इस बार हड़ताल नहीं करेंगे, ऐसा किसी ने नहीं कहा। सारे लोगों ने एक ही चीज कहा कि हम हड़ताल करेंगे जब तक हमारी मांग पूरा नहीं होगा हम नहीं देंगे। मैं सदस्यों को धन्यवाद दूंगा, हमारे पदाधिकारी को एकदम अटिक करके उन्होंने रखा और भीड़ भी अपनी जैसे जैसे जब जब जैसे जैसे चाहा वैसे वैसे आप लोगों ने एकत्र हुए और शालीनता के साथ, रणनीति के साथ और पूरे दमदारी के साथ लड़ाई लड़े, इसके लिए धन्यवाद। और इसी तरह से लड़ाई हमको लड़नी है और आगे भी हमारा अब एक लक्ष्य है, उस लक्ष्य को पाने के लिए क्या करना है ये विचार आपको करना है। संघ मजबूत रहेगा, आप आज के दिन के बाद को आप याद रखना, जितने लोग हमारे मुख्य लोग आए हैं इसलिए मैं आपके सामने बोल रहा हूँ, जितने आप लोग यहाँ पर आए हैं आज पेन कागज में नोट करके रखना,